क्वेश्चन है, अमर दो रेडियो को, दो रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि कमाता है। फर्स्ट पे 10% का लाभ, सेकंड में 10% का हानि कमाता है। दोनों रेडियो का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको जो है क्रय मूल्य, दो रेडियो है जो कि प्रत्येक का 990 रुपया है, यानी कि टोटल 1980 रुपया दाम है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, फर्स्ट रूल जो है एक लॉन्ग मेथड से बनेगा, एक शॉर्ट कट से बनेगा। लॉन्ग मेथड से है, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस 100 प्लस लाभ या हानि। लाभ रहे तो प्लस लिखेंगे, हानि रहे तो माइनस लिखेंगे। लाभ रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो हानि रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो इस पे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 990 गुना 100 बटे 100, फर्स्ट है लाभ, फर्स्ट है लाभ तो 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 990 गुना 100 बटे 110, काट देंगे 99, कितना आ गया 900 रुपया आ गया। 900 रुपया यह हो गया क्रय मूल्य, फर्स्ट वस्तु का यह हो गया फर्स्ट वस्तु का, सेकेंड वस्तु का जो है सेकेंड रेडियो का जो मूल्य है, रेडियो का क्रय मूल्य, सेकेंड रेडियो का क्रय मूल्य 990 गुना 100, अब की हानि हुआ है 10% का, तो 100 में 10 माइनस करके लिखेंगे 10, कितना हो गया ये 990 गुना 100 बटे 90 से काटेंगे 9 दही 99, यानी कि 1100 रुपया हमने दोनों वस्तु का, दोनों रेडियो का मूल्य कितना है 900 और 1100, कितना हो गया 2000 रुपया क्रय मूल्य हो गया। टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस 2000 रुपया हो गया। फर्स्ट तरीका ये अलग अलग करके निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका और आसान तरीका है, सेकंड तरीका जो बनाने का है इसे बना सकते हैं आप। इससे बनाने के लिए एकदम आसान तरीका है जो कम समय में ही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कम समय में, तो क्वेश्चन कहता है 10% का लाभ होता है, जब 10% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जब विक्रय मूल्य 110 तो खरीदेगा कितना में, 100 रुपया में खरीदेगा तो 110 रुपया में बेचेगा तो 10% लाभ होगा। जब एसपी 110 तो सीपी कितना है, जब एसपी 990 रुपया तो सीपी कितना हो जाएगा 900 रुपया, ये हो गया। दूसरा जो है, फिर एसपी जो है दूसरे में 10% हानि होता है सीपी, एसपी 10% हानि होगा, 100 में 10 माइनस कर देंगे 90, जब एसपी 90 तो सीपी कितना रहेगा 100 रुपया रहेगा, 100% रहेगा। जब आपका जो है एसपी 990 रुपया है तो सीपी कितना, कितना गुना है 11 गुना है, इधर कितना से कर देंगे 11 से गुना कर देंगे 1100 रुपया हो जाएगा। तो 900 रुपया और 1100 रुपया टोटल कितना हो गया 2000 रुपया, 2000 रुपया हो गया सीपी, टोटल सीपी। तो ये भी तरीका बिना फॉर्मूला को बनाने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है दो पंखों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपया है, दोनों पंखा का क्रय मूल्य 2300 है, इनमें से एक को 10% लाभ, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया, जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीपी निकालते हैं, एक है 10% लाभ पर, दूसरा है 20% लाभ पर, सीपी क्या होगा, दोनों का सीपी का रेशियो देखते हैं। सीपी निकालने के 100 को ऊपर रखेंगे तो सीपी निकलेगा, जब तो सीपी जब निकालेंगे तो 100 को हमेशा ऊपर रखेंगे, तो लाभ है 10%, 100 बटे 110 लिखेंगे, यह सीपी हो गया, 100 बटे 20% लाभ है 120 या सीपी हो गया, तो इसको काटेंगे रेशियो में कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, जब 1 बटे 11 रेशियो 1 बटे 12 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 रेशियो 11 आ गया। हमें किसका निकालना है आंसर, 20% का निकालना है, इस 20% वाले को निकालना है, 20% वाले कितना है 11 है, टोटल कितना है, टोटल कितना हो गया, टोटल जो है 11 12 कितना हो गया 12 प्लस 11, भाग निकालते हैं 20% भाग का सीपी, तो गुना टोटल सीपी कितना है 2300, तो इसको जोड़ेंगे तो 11 बटे 23 गुना 2300 काटेंगे तो 1100 रुपया, 100 रुपया कट हो गया, 100 गुना 11 कितना हो गया 1100 रुपया
इसका जो सीपी हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए कि मनोज कोई वस्तु को मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, वह उस वस्तु को 616 रुपया में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया, वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमेशा एक बात ही आपको याद रखेंगे, यदि वह बात आपको याद रह गया तो सवाल हमेशा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे सवाल में। एक सवाल नहीं बल्कि मैं हजारों सवाल उस प्रोसेस पर बना के दिखाऊंगा। सिर्फ एक ट्रिक पर एक फॉर्मूला याद रखना है, हर सवाल सॉल्व होगा। कौन सा वो फॉर्मूला है? उस फॉर्मूला है कि हमेशा आप याद रखें, 100 से जब गुना करेंगे, 100 पे जब वैल्यू निकालेंगे, वो हमेशा हमको क्रय मूल्य निकलता है, बाय का चीज निकलता है, सेलिंग प्राइस नहीं बल्कि क्रय मूल्य निकलता है। सीपी हमेशा क्या कितना पे निकलता है? 100 पे। यदि यह बात आपके दिमाग में सेट हो गया तो मैं ये इस बात पे मैं आपको हजार सवाल सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे सॉल्व आता है। सवाल आते जाएगा, मैं सॉल्व करके दिखाते जाऊंगा। इस सवाल को भी मैं वैसे ही बनाऊंगा। मुझे दिया हुआ विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना, सीपी हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस एसपी दिया हुआ है 616 रुपया। हमको हमेशा जो है सीपी जाने के लिए 100 से गुना करना है, सीपी निकालने सी से सी सी फोर सी पी सी फोर सो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करना है, कितना परसेंट, तो लाभ किया है 10%, तो 10 जोड़ दीजिए 110 हो गया। छूट कितना दिया है? छूट दिया है मुझे 20%, तो 100 में छूट का मतलब कि कमाना, कम करके बेचना, कितना कम किया, 20 छूट किया, तो बचा कितना, 80। अब इसे काट दे, आंसर आपका आ गया आसानी से, आंसर 11 से काटेंगे तो 56 होगा, 56 × 6 ये 8 से काटेंगे 56 सात बार में, तो आपका आंसर आ गया 7 × 100, ये 100 आपको बचा हुआ है, 7 × 100 मतलब 700 रुपया आपका आंसर आ गया। तो देखिए आप कितना आसान से ये सवाल बन गया। जिसको निकालना हो हमेशा उसे ऊपर रखेंगे, जिसे नहीं निकालना हो उसे आप नीचे रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाता है। फॉर्मूला आसान सा है फॉर्मूला, सीपी निकालना हो 100 से गुना कर दीजिए, सीपी निकालना हो तो आप याद दिमाग में सेट कर लीजिए कि 100 से गुना कर देंगे आपका आंसर आ जाए।